दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है सीक्रेट। साल 2007 में आई मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी। इसे IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये जैपनीज मूवी है, जिसके चलते इसका कॉन्सेप्ट भी हमेशा की तरह यूनिक होता है, जो कि आपको देखने में और सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए कहानी को शुरुआत करते हैं। उससे पहले, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़ी सी स्कूल की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे सारे बच्चे अपना अपना काम करते हैं। फिर हमें इस कहानी का मेन किरदार दिखाया जाता है, इसका नाम होता है जॉय। इस स्कूल में उसका पहला दिन होता है, इसलिए उसकी फ्रेंड एलिस उसे स्कूल के बारे में जानकारी देती है। वो उसे कहती है स्कूल की बिल्डिंग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इस बैच के ग्रेजुएशन के बाद इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। आगे वो कहती है तुम चाहो तो स्कूल के टॉप फ्लोर पर पियानो रूम में जाकर पियानो प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जो है उस बिल्डिंग के अंदर अकेला चला जाता है, तभी उसे अंदर एक पियानो की धुन सुनाई देती है और फिर उस धुन को फॉलो करते करते वो उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पियानो होता है। तभी वो एकदम से चौंक जाता है, वहां एक लड़की होती है और जॉय उसे देखकर चौंक जाता है। असल में उस लड़की का नाम होता है रैना। जॉय उसे पूछता है ये धुन तुम प्ले कर रही थी, काफ़ी अच्छी धुन है, ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रैना उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और हल्की सी मुँह पर स्माइल लाती है। फिर हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, वहाँ म्यूज़िक का लेक्चर शुरू होता है। तभी रैना वहाँ पे आती है और ये कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे आने में लेट हुआ। इतना कहकर वो लास्ट वाले बेंच पर जाके बैठ जाती है। तभी जॉय उसे पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। टीचर का ध्यान जॉय पर जाता है और वो जॉय को चिल्लाते हैं। वो उसे कहते हैं क्लासरूम में सिर्फ क्लास पर ही ध्यान दो। ये सुनने के बाद रैना स्माइल करती है। क्लास खत्म हो जाती है, जॉय रैना का पीछा करता है, तभी वो एकदम से गायब हो जाती है और सडनली पीछे से उसको टैप करती है। रैना उसे कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जॉय उसे बोलता है कि मैं उस गाने का नाम जानना चाहता हूँ। तभी उसके कान में वो हल्के आवाज़ से कहती है सीक्रेट। जॉय ये नाम सुनने के बाद सोच में गिर जाता है, सीक्रेट इसमें क्या है सीक्रेट। तभी रैना उसे कहती है ये सीक्रेट है, किसी को बोलना मत। तभी जॉय उसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। म्यूजिक टीचर पीछे से आते हैं और वो उसे चिल्लाते हैं। वो उसे कहते हैं स्कूल में पहला दिन भी नहीं हुआ और तुम लड़की के पीछे लगे हो। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सभी स्टूडेंट घर की तरफ निकलते हैं, तभी बाहर जोर से बारिश होती है और रैना साइड में खड़ी हो जाती है। तभी जॉय भी वहाँ आ जाता है और उसके साथ बाजू में खड़ा हो जाता है। जॉय उसे पूछता है क्या तुम्हें मैं अपनी साइकिल पर घर पे ड्रॉप कर दूँ, और उस पर रैन उसे कहती है ठीक है। फिर वो दोनों साइकिल से घर की तरफ निकल जाते हैं। रैन जॉय से पूछती है तुम इतने शांत कैसे रहते हो। तब जॉय उसे कहता है ये भी एक सीक्रेट है। आगे जॉय रैन से कहता है क्या तुम वही म्यूज़िक फिर से प्ले करोगी मेरे लिए। और ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करते करते रैन का घर आ जाता है। फिर वो उसे छोड़कर वो वहाँ से मार्केट चला जाता है। वहाँ पे कुछ वो सब्जियाँ खरीदता है, फिर उसके बाद वो अपनी घर की तरफ निकल जाता है। फिर हमें जॉय का घर दिखाया जाता है, वो खाना बना रहा होता है। इससे ये पता चलता है जॉय खुद पर इंडिपेंडेंट है। अगले दिन जॉय की लाइफ फिर से सेम रूटीन फॉलो करती है, वही ग्राउंड में वर्कआउट करना, क्लासरूम अटेंड करना। पर इन सब में जॉय की आंखें बस रैना को ही ढूंढती है। उसके बाद पियानो प्ले के रूम में जाकर वो पियानो प्ले करता है, तब वहाँ दो लड़के आ जाते हैं। वो दो लड़के जैसे कहते हैं पीछे से PD टीचर आ रहे, उन्हें मत बताना कि हम यहाँ छुपे हैं। और जॉय ऐसे ही करता है, वो PD टीचर वहाँ आते हैं तब वो उसे कुछ नहीं बताता। इस तरह से वो दो लड़के की जॉय मदद करता है। फिर वो दो लड़के जैसे पूछते हैं तुम न्यू स्टूडेंट हो राइट। जॉय कहता है हाँ मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और अभी अभी मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन किया है।
तभी वो दो लड़के अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम बॉब है, इसका नाम लैंस। अगले हफ्ते रग्बी टीम की कॉम्पिटिशन है तो तुम देखने ज़रूर आना। और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पीजे ग्राउंड पे आता है, पीछे से रहना आती है और उसे टैप करती है। तब जय उसे कहता है, आज मैंने तुम्हें कहीं भी नहीं देखा। रहना कहती है, मैं तो ऊपर रूम में पुराने पैनों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, तुम मुझे मिस कर रहे थे। जय ये कहता है, ऐसा नहीं है, हाँ पर तुम्हारे म्यूज़िक को ज़रूर मिस कर रहा था। पर रैन उसे कहती है, लेकिन मैं तो तुम्हें मिस कर रही थी। फिर रैन उसे छेड़ती है बड़े प्यार से और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर बॉब और लैंस अपनी करतूतों के वजह से वहाँ पे पनिशमेंट ले रहे थे। फिर वो दोनों चलते चलते बीच पर चले जाते हैं, तब आसमान एकदम साफ होता है। तभी बोलते बोलते हमें पता चलता है कि रैन के घर पे उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। तभी जय भी बोलता है, मेरे घर पे मेरे डैड के अलावा कोई भी नहीं है। रैन उसे पूछती है, तुम्हारे डैड करते क्या है? जय उसे कहता है, तुम्हें नहीं पता तो अच्छा है, इसे भी एक सीक्रेट रहने दो, क्योंकि तुमने भी कई सारी बातें सीक्रेट रखी है। रैन मनी मन जैसे प्यार करने लगती है, ये हमें उसके बिहेवियर से पता चलता है। तभी जय के और क्लासरूम के सामने वो अपनी आंखें खोलती है, तब वहाँ जय नहीं होता। सामने से एक स्टूडेंट जोर जोर से भाग भागते आता है। तब हमें पता चलता है जय उस स्कूल के सबसे टॉप पियानो मास्टर के साथ कॉम्पिटिशन खेल रहा है। रैन और एलिस उसे देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं, तभी वहाँ सब स्टूडेंट भी आ जाते हैं। कॉम्पिटिशन के कुछ रूल डिसाइड होते हैं। जॉन जो भी म्यूजिक बजाएगा उसे सुनकर बिना गलती किए उसे बजाना होगा। म्यूजिक बैटल शुरू हो जाती है, जॉन म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है, जॉय सिर्फ सुनकर बिना गलती किए म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं जॉय और जॉन के बीच में म्यूजिक को लेकर काफ़ी अच्छी कॉम्पिटिशन होती है। फाइनली थर्ड राउंड में जॉय और जॉन को एक साथ म्यूजिक बजानी होती है। फिर वो दोनों म्यूजिक बजाते हैं और काफ़ी अच्छी स्ट्रगल के बाद जॉय जीत जाता है। जॉय का परफॉर्मेंस देखकर पूरा क्लास इम्प्रेस हो जाता है। तभी रैन और एलिस भी वहाँ इम्प्रेस हो जाती है। एलिस रैन से कहती है, जॉय कितना क्यूट है ना, और ये सुनकर रैन थोड़ी सी जेलस फील करती है। विनर प्राइज म्यूजिक बुक होती है जो कि जय जीत जाता है। उसके बाद एलिस उसके पास आती है और वो उसे विश करती है, हम क्लासरूम में मिलते हैं, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जय ग्राउंड में लंच करता है, पीछे से रैन आती है और वो उसे कहती है, कल तुमने पियानो प्ले काफ़ी अच्छा किया था। जय उसे पूछता है, कल तुम वहाँ पे थी? रैन उसे कहती है, हाँ थी, बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। रैन आगे पूछती है, तुमने उसके साथ बैटल क्यों किया था? जय उसे कहता है, ये मेरा सीक्रेट है। आगे हम देखते हैं बॉब और लैन जॉय को इनवाइट करते हैं अगले हफ्ते होने वाली पार्टी में पियानो परफॉर्मेंस रेफरेंस पर। तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को पनिश करते हैं। बाद में हमें पता चलता है वो टीचर और कोई नहीं, जय के डैडी होते हैं। तभी रैन जय को बोलती है, वो तुम्हारे दोस्त नहीं लगते। तभी जय भी उसे कहता है, तुम भी तो नहीं लगते, तुम भी तो एक सीक्रेट की तरह पूरी सस्पेंस लगती हो। रैन उसे कहती है, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो। उसके बाद वो दोनों पियानो रूम में जाकर फोर हैंड पियानो प्ले करते हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और जय से पूछते हैं, फोर हैंड पियानो कौन प्ले कर रहा था? जय कहता है, मैं ही प्ले कर रहा था। तभी सर उसे कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये म्यूज़िक फोर हैंड प्ले से होती है, ये बातें किसी को बताना मत। इतना कहकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बीच पर चले जाते हैं। तब जय रैन से पूछता है, तुम मन में क्या सोच रही हो? तभी रैन उसे कहती है, टाइम आने पे बता दूंगी। उसके बाद वो दोनों बीच पर खूब मज़े करते हैं। रात को खाना खाते वक्त जय के पिता जय को बोलते हैं, तुम उस बॉब और लैंस की संगत छोड़ दो, वो दोनों अच्छे बच्चे नहीं है। जय हाँ में जवाब देता है। तभी जय के पिता जय से पूछते हैं, तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? जय कहता है, नहीं, तुम आजकल रात को लेट घर आते हो, इसलिए मैंने पूछा। अगले दिन जय और रैन दोनों सीडी शॉप में जाते हैं, वहाँ वो दोनों म्यूज़िक सुनते हैं। रैन म्यूज़िक सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है, तभी वो उसे किस कर देती है। फिर जय और रैन दोनों छत पे जाते हैं, वहाँ जय को पता चलता है रैन को लंग्स डिजीज है, यानी कि अस्थमा। रैन जय से कहती है, लाइफ में सभी लोगों को सभी मज़े करने नहीं मिलते। इस बात पर जय काफ़ी इमोशनल हो जाता है। रैन जय से पूछती है, तुम मुझे पसंद करते हो? जय कुछ नहीं बोलता।
रैन कहती है, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जय अपने बैग में से वो बुक निकालता है जो लास्ट टाइम उसने बैटल में जीती थी। असल में उस बुक में म्यूजिक नोट्स होते हैं और ये सब उसने रैन के लिए किया था। रैन खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। फिर वो दोनों बॉबर लैंस की पार्टी में खूब मस्ती करते हैं, साथ में डांस भी करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो दोनों पैनोप्ले में म्यूजिक बजाकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। जॉय उसे कहता है, उस दिन वाली म्यूजिक बजाओ ना। रैन वो म्यूजिक प्ले करती है, तब जॉय उसे सुनकर समझने की कोशिश करता है, पर रैन म्यूजिक इतने स्पीड में प्ले करती है जिस कारण जॉय उसे बराबर समझ नहीं पाता। रैन उसे कहती है, ये म्यूजिक को कभी भी ओल्ड पैनो पर मत बजाना। उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड में मैच शुरू होती है और जय और एलिस एक साथ बैठकर मैच को एंजॉय करते हैं। तभी जय एलिस के हाथ में एक बैंड देखता है और वो उसे पूछता है, ये बैंड तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। एलिस उसे कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी रैन वहाँ आती है। जय इशारों में रैन से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रब्बी मैच खत्म होने के बाद जय बॉब और लैंस से अस्थमा के बारे में पूछता है। लैंस उसे बताता है, अस्थमा ऐसा कुछ नहीं होता। तभी जय समझ जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जय के डैड उसे अपने साथ डांस करने बोलते हैं। तभी जय अस्थमा के बारे में पूछता है। उसके डैड उसे कहते हैं, मेरे साथ डांस करो तभी मैं बोलूँगा। जय उनके साथ डांस करता है। डैड उसे एप्पल के बारे में कहते हैं। जय पूछता है, एप्पल? डैड उसे कहते हैं, हाँ डॉक्टर तो यही कहते हैं, एप्पल इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। अगली सुबह जय रैन के लिए ढेर सारे एप्पल ले जाता है। वो उसे कहता है, एप्पल खाने से हेल्थ अच्छी रहती है। उसके बाद जय एक नोट लिखता है और वो उसे पीछे पास करने बोलता है। तभी रैन हमें दिखाई जाती है और वो स्माइल करती है। उसके बाद जय पियानो रूम में पियानो प्रैक्टिस करता है। तब अचानक से एलिस वहाँ आ जाती है और वो जय को किस करती है। उसे लगता है रैन उसे किस कर रही है क्योंकि उसकी आंखें बंद होती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसको एलिस दिखती है और वो पीछे हट जाता है। वहाँ से रैन उसे देख लेती है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब हाउसकीपिंग वाला जोर से चिल्लाता है, रैन चली गई। जय ये सुन लेता है और उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाता है, पर वो कहीं भी नहीं मिलती और उसे ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाता है और आफ्टरऑल वो निराश हो जाता है। दूसरे दिन एलिस जय को मिलती है। वो उसे कहती है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? जय उसे कहता है, नहीं पर मुझसे गलती ज़रूर हुई है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। रात को घर जय अपने पियानो पर सैड म्यूजिक प्ले करता है। तभी डैड अंदर से चिल्लाते हैं और उसे बोलते हैं, सैड म्यूजिक प्ले करना बंद कर दो नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। तभी जय का मूड ठीक करने के लिए डैड गिटार उठाते हैं और सॉन्ग प्ले करते करते गिटार बजाते हैं। जय उसे कहता है, बस हो गया मत बजाओ। लेकिन डैड उसे कहते हैं, हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए। उसके बाद जय वहाँ से निकल जाता है। डैड उसे बोलते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, हम सॉल्व करेंगे। जय वहाँ से चला जाता है। डैड उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं, खाना खा लेना, भूखे मत रहना। आगे हम देखते हैं जय रैन के घर जाता है। उसकी माँ उसे बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? जय उन्हें बोलता है, मुझे रैन से मिलना है। रैन की माँ जैसे बोलती है, आहिस्ते बात करो, रैन अभी सोई हुई है। जय उन्हें पूछता है, रैन क्लास क्यों नहीं आ रही? रैन की माँ बोलती है, वो उसने क्लास छोड़ दिया। जय उन्हें पूछता है, क्यों? उसकी माँ उसे कहती है, अस्थमा का प्रॉब्लम अब बढ़ रहा है इसलिए उसने क्लास छोड़ दिया। तब जय निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। जय अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। अब उसके साथ रैन की जगह एलिस होती है। जय पूरा फोकस पियानो प्रैक्टिस पे लगाता है और मनी मन रैन को वो इमेजिन करता है। वो उसे अपने पास पाता है और म्यूजिक शॉप पर जाकर वो वही म्यूजिक सुनता है जो रैन को उसने सुनाया था। अब आता है ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन का दिन। जय काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि उसे पूरे शो में पियानो परफॉर्म करना था। एलिस उसे अपना खुद का लकी बैंड देती है। वो उसे कहती है, ये लकी बैंड है, ये तुम्हें हेल्प करेगा। उसके बाद शो शुरू हो जाता है। जय पियानो प्ले करता है। तभी वहाँ रैन आती है, अपनी आँखें खोलती है। जय की नज़र उस पर गिरती है और वो पूरा शो छोड़कर उसके पीछे भागता है। उसकी ये हरकत प्रिंसिपल से लेके पूरे बैठे सभी लोग देखते हैं।
फाइनली जय रेन को रोक लेता है। रेन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जय को गले मिल जाती है। जय उसे कहता है अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जय के डैड उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं अंदर चलो। जय रेन को बोलता है मेरा क्लासरूम में वेट करना, मैं अभी आता हूँ। तभी जय एलिस के पास जाता है और उसे उसका लकी बैंड लौटा देता है, ये कहकर तुम्हारा लकी बैंड सच में लकी है। उसके बाद जय उसे ढूंढते ढूंढते क्लासरूम पहुंच जाता है। वहां उसे बॉब और लेस मिलते हैं और जो कि वो क्लासरूम में सारे पेन पेंसिल अपने जेब में भरते हैं, ये कहकर कि क्लासरूम का आज आखिरी दिन है। जय उनसे पूछता है तुम दोनों ने किसी लड़की को यहाँ आते हुए देखा? वो दोनों कहते हैं नहीं, मगर कैसी थी दिखने में? जय उन्हें कहता है अरे तुम्हारे पार्टी में रैन और मैं डांस कर रहे थे ना, वही लड़की। दोस्तों यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है और वो क्या है चलिए जानते हैं। तभी बॉब और लेंस उसे कहते हैं पार्टी में तुम्हारे साथ कोई भी डांस नहीं कर रहा था, सभी लोग तुम्हें देखकर हंस रहे थे और ये देखने में कितना वियर्ड लग रहा था। यहाँ पर जय एकदम से शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। वो सभी पलों को याद करने की कोशिश करता है जो कि उसने रैन के साथ बिताए थे। तब जाके उसे पता चलता है कि रैन नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो लड़की उसके दिमाग की एक इमेजिनेशन होती है जो कि सिर्फ उसको ही दिखती है और किसी को भी नहीं। असल में जय और एज ए ऑडियंस हमें एक बात क्लियर होती है कि कहानी की शुरुआत से लेकर अभी तक रैन नाम की लड़की सिर्फ उसके दिमाग की एक इमेजिनेशन होती है, इसीलिए एलिस उसे किस करती है। असल में जय क्लासरूम में जो चिट्ठी पास करने बोलता है वो चिट्ठी रैन के पास नहीं बल्कि एलिस के पास होती है, क्योंकि उसके पीछे कोई लड़की बैठी ही नहीं होती। वो बस जय ऐसा सोचता है कि रैन पीछे बैठी है। जय ये सारी बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो जाता है। असल में वो ये समझ नहीं पाता कि रैन सचमुच कोई लड़की थी या फिर मेरे दिमाग ने बनाई एक इमेजिनेशन थी। तभी वो सारे पलों को एक बार फिर से सोचता है और सोच सोच कर वो परेशान होते रहता है। और वैसे ही हालत में जय बेंच पर सिर रख कर सोने की कोशिश करता है। तभी बेंच पर अचानक से कुछ लिखा हुआ दिखता है और वो लिखा हुआ ये होता है हेलो जय, मैं रैन हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी जय जेब में से वाइटनर पेन निकाल कर वो लिखने की कोशिश करता है तुम कहाँ हो रैन। आगे वो लिखता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये लिखते लिखते उसके वाइटनर पेन की इंक ख़त्म हो जाती है। तभी वो फ्रस्ट्रेशन में वो टैप करते करते वो हार्ड शेप बना देता है। उसी रात जय रैन से मिलने उसके घर जाता है। तभी रैन की माँ उसे ये बोलकर अंदर लेती है रैन अभी म्यूजिक सुन रही है, तब तुम शांति से अंदर आना। जय रैन के कमरे में जाता है, तभी रैन वहाँ नहीं होती, बस म्यूजिक चल रहा होता है। जय उसकी बुक शेल में से एक छोटी सी किताब हाथ में लेता है। तभी रैन की माँ उसके हाथ से छीन लेती है ये बोलकर कि ये मेरी बेटी की किताब है। और उस बुक में से रैन ने बनाया हुआ स्केच बाहर निकलता है और स्केच में जो शक्ल होती है वो जय से मिलती है। तभी रैन की माँ बोलती है मेरी बेटी ने सही कहा था, वो एक जय नाम के लड़के से प्यार करती थी, मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। फिर रैन की माँ जय को एक फ़ोटो दिखाते हैं, उसमें रैन के साथ जय के डैडी होते हैं और ये फ़ोटो आज से 20 साल पुरानी होती है। फिर वो फ़ोटो लेकर जय घर जाता है और डैडी को दिखाता है। डैडी उस स्टोरी को नरेट करते हैं। ये कहानी है सन 1979 की, यानी कि आज से 20 साल पहले। रैन स्कूल में थर्ड ईयर स्टूडेंट थी और वो बेहद ही टैलेंटेड लड़की थी। उसे पियानो बजाने का काफ़ी अच्छा शौक था। उसे एक गंदी आदत थी, कुछ ना कुछ वो हमेशा सोचती रहती थी। इसलिए मैंने उसे एक दिन पूछा क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे। रैन उनसे कहती है आप मेरी बातों पर बिलीव करोगे? वो कहते हैं हाँ करूँगा। तब रैन उन्हें सारी बातें बताती है। वो कहती है एक दिन मैं पुराने पियानो के पास थी, मुझे उस पियानो के नीचे से एक बुक मिली, उस बुक का नाम था सीक्रेट। उस बुक में म्यूजिक के बारे में लिखा था, मैंने उस म्यूजिक को पढ़ के उसे प्ले करना शुरू कर दिया। तब हम देखते हैं रैन उस म्यूजिक को
बुक में देखकर प्ले करती है और आजू बाजू के सराउंडिंग चेंज होने लगते हैं। म्यूजिक प्ले करने से पहले वो बिल्डिंग नई थी, अब म्यूजिक खत्म होने के बाद वो बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है वो म्यूजिक में कुछ तो मैजिक होता है, जिसके वजह से म्यूजिक जैसी वो स्टॉप कर देती है एकदम से सब रुक जाता है। उसके बाद रैन उस बुक को बुक शेल में रखने जाती है, तभी जय वहाँ आता है और ये वही सीन होता है जो कहानी के पहले हमने देखा था, जो कि रैन ने उस म्यूजिक को प्ले किया था और उसे सुनते सुनते जय वहाँ तक पहुँचा था। आगे रैन कहती है जय वो पहला लड़का था जिसने उसे पहली बार देखा। यहाँ पर हमें ये पता चलता है रैन सबसे पहले जिसे देखेगी रैन उसी को दिखेगी, यानी कि रैन ने 20 साल पहले आगे ट्रैवल किया था उस म्यूजिक के जरिए। वो दूसरे लोगों को अपनी मौजूदगी का काफ़ी एहसास करवाती है पर वो करवा नहीं पाती। उसके बाद वो जय के क्लासरूम में जाती है और जय को ऐसा एहसास करवाती है कि वो भी उसी क्लास की है। वो हर वक्त अपने समय से आगे वो जय के समय में आती है और अपनी आंखें वो जय के सामने खोलती है। इसके लिए उसने ओल्ड पैनो रूम से लेकर जय के क्लासरूम तक सभी सीढ़ियाँ और स्टेप्स काउंट कर लिए थे, पर पैनो बैटल के दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। रैन अपनी आंखें खोलती है तब उसके सामने एलिस होती है, इसलिए वो जय उस दिन उसे देख नहीं पाता और एलिस उसे देख लेती है। रैन आगे कहती है मैं कभी भी भूल नहीं सकती उस वक्त को जो मैंने जय के साथ उस साइकिल पर बिताया। एक दिन जब वो जय को मिलने आती है तब वो देखती है एलिस जय को किस करती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और छुप जाती है और वापस अपने समय में आकर वो चुपचाप रहने लगती है। यहाँ जय के पिता रैन से पूछते हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे। और यहाँ वो सारी बातें वो जय के डैड को बोलना शुरू कर देती है और वो उसे बोलती है क्या आप मेरे बातों पे विश्वास करोगे। लेकिन जय के डैड को रैन पे भरोसा नहीं होता कि उसने कोई टाइम ट्रैवल किया, इसलिए वो उसे कहते हैं तुम उस लड़के के बारे में सोचना छोड़ दो, वो लड़का बुरा होगा। इसके बाद रैन जय के डैड को वो बुक दे देती है और कहती है इसे आप अपने पास रखो। फिर वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं इस बात को और सीक्रेट रखें। लेकिन जय के डैड को रैन की काफ़ी फिक्र होती है, इसलिए वो रैन की मॉम को और क्लासमेट की एक लड़की को वो बोल देते हैं और उनसे वादा लेते हैं कि ये बात वो किसी से ना कहे। रैन की क्लासमेट की लड़की काफ़ी बुरी होती है, उसे जैसे ही पता चल जाता है वो पूरे क्लास में फैला देती है और ये बात पूरी क्लास में फैल जाती है कि रैन ने कोई टाइम ट्रैवल किया और अपने 20 साल आगे जाकर अपनी वर्जिनिटी खो दी। ये बात सुनकर रैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। रैन ने कोई टाइम ट्रैवल किया है इस बात पे उसकी माँ को भी भरोसा नहीं होता, वो अपने में कहती है ओ गॉड मेरी बेटी को ठीक कर दो। इसलिए रैन को साइकोलॉजी पिल्स दी जाती है ताकि उसका दिमाग शांत हो जाए। स्कूल में बच्चे, घर में उसकी मॉम और प्यार में जय, इन सभी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो पूरी तरह अकेली पड़ जाती है और उस दौरान वो जय का स्केच भी निकाल लेती है जो कि 20 साल बाद जय को उस बुक में मिलता है। फिर वो स्कूल जाना भी बंद कर देती है। जय के डैड उसे स्कूल बुलाते हैं और वो दिन होता है स्कूल का आखिरी। जय के डैड और वो दोनों फोटो खिंचवाते हैं, तभी सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। रैन वहाँ से चली जाती है और वो पैनो रूम में जाकर वो म्यूजिक प्ले करती है और साल 1919 में आ जाती है। ये वही दिन होता है जहाँ जय का एनुअल सेलिब्रेशन होता है। रैन जय का हाथ पकड़ती है, तभी जय के हाथ में एलिस का बैंड दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और जय हर रोज की तरह उसे ढूंढते रह जाता है और वो फिर से अपने समय में चली जाती है, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो क्लास में अकेली बैठी रहती है। तभी वो बेंच पे वो कुछ लिखती है, वो ये लिखती है हेलो जय मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और इस सब लिखते लिखते उसकी सांस फूलने लग जाती है। उस समय उसके पास इन्हेलर ना होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और ये सब कहते कहते जय के डैड ये कहानी को यहीं ख़त्म कर देते हैं। आगे जय के डैड उसे पूछते हैं ये सब तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो। वो ये कहते हैं रैन ने मुझे एक बुक दी थी, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
और इतना कहते ही वो बुक लेने अंदर चले जाते हैं। जे रैन के बारे में सोच ही रहा होता है, उसे याद आ जाता है स्कूल का आज आखिरी दिन है और कल स्कूल की बिल्डिंग टूट जाएगी। वो बिना कुछ सोचे स्कूल की तरफ भागता है। रास्ते में वो सोचता है रैन ने उसे सीक्रेट वाली धुन एक ही बार बजा के दिखाई थी और रैन ने उसे ये मना भी कर दिया था कि इस धुन को पुराने पैनों पे मत बजाना। तो बस और क्या, वो अपनी पूरी जान लगा देता है और स्कूल की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है बिल्डिंग का तोड़ने का काम चालू हो जाता है। वो अपनी जान की परवाह ना करते वो उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। जैसे तैसे करके वो बिल्डिंग के रूम तक पहुँच जाता है, उसके बाद वो पैनो रूम तक। अब क्या, वो पुराने पैनो के ऊपर धुन बजाना शुरू कर देता है। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है, फिर भी वो पैनो बजाता है, वो उसे छोड़ता नहीं। फिर उसके आजू बाजू से पत्थर गिरते हैं, लेकिन उसका जुनून इतना सर चढ़ जाता है कि उसे धुन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। वो बस पैनो की धुन ही बजाते जाता है। बस उसे किसी तरह अपनी रैन तलक पहुँचना होता है। वो इसी कोशिश में, इसी जस्तोजहद में वो लगा रहता है। यहाँ पर जे के डैड उस किताब को ओपन करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है रैन का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं मेरा बेटा जय होता है। अब मेरा बेटा पास में जाने की तैयारी कर रहा है, ये सोचकर जे के डैड भी उसे रोकने के लिए स्कूल की तरफ भागते हैं। रास्ते में उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकान लगती है, लेकिन वो अपनी परवाह न करते हुए जोर लगा के वो भागने की कोशिश करते हैं। इधर जय उस धुन को बड़ी तेज़ी से बजाना शुरू कर देता है और उसे बजाते बजाते उसके हाथ से एक ब्लड ड्रॉप उस पैनो पर गिर जाता है और हम देखते हैं वो बिल्डिंग पूरी तरह से अब टूट चुकी है। फिर हमें दिखता है जय पास में पहुंचकर रैन के क्लासरूम के सामने खड़ा हो जाता है। रैन उसे स्माइल करती है। फिर हमें एनुअल डे पे क्लिक किया हुआ फ़ोटो दिखाया जाता है, उसमें वो दोनों साथ होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब जान लेते हैं कुछ सवालों के जवाब। जब रैन जय को अपने टाइमलाइन में देखती है तो सिर्फ उसे स्माइल करती है, ऐसा क्यों? असल में जय ने उस वक्त उस म्यूज़िक को कुछ ज़्यादा ही फास्ट बजाया था, जिस वजह से वो टाइमलाइन के आगे पहुंच जाता है, जहां रैन ने अभी टाइम ट्रैवल करना शुरू भी नहीं किया था। इसीलिए रैन भी उसे नॉर्मल लड़के की तरह देखती है और उसे नॉर्मल स्माइल देती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, जय फिर से अपने टाइमलाइन में पहुँचेगा कि नहीं? तो इसका सरल जवाब यह है कि प्रेजेंट में वो बिल्डिंग 100 साल पुरानी होने के वजह से वो टूट जाती है, जिस वजह से ओल्ड पैनो के साथ वो सीक्रेट म्यूज़िक भी वहीं ख़त्म हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए पास्ट में ही रह जाता है। जब वो पास्ट में चला जाता है उसे सब लोग देखते हैं, ऐसा क्यों? असल में जय जब पैनो बजा रहा होता है उसके हाथ से ब्लड ड्रॉप उस पैनो पे गिर जाता है, जो कि ट्रू लव को प्रेजेंट करता है, जिस वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए पास्ट में चला जाता है और उसे सब लोग देखने लगते हैं। अब जानते हैं ओल्ड पैनो को और उस सीक्रेट म्यूज़िक को जो कि इस मूवी में क्या बताया गया है। इस मूवी में इस म्यूज़िक के बारे में या फिर ये पैनो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कई साल पहले किसी को टाइम ट्रैवल करने के लिए उसने एक पैनो बनाया हो और उसे प्ले करने के लिए एक म्यूज़िक, जो कि उसी पैनो पे उस म्यूज़िक को प्ले करके वो टाइम ट्रैवल कर सके। अब बात कर लेते हैं मूवी के टाइम ट्रैवल के बारे में। इस कहानी में टाइम ट्रैवल को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। जो भी व्यक्ति पास्ट में से अगर फ्यूचर में आ जाता है, जिस वजह से पास्ट उसका चेंज होता नहीं, लेकिन प्रेजेंट में से अगर वो पास्ट में चला जाता है तो उसका प्रेजेंट चेंज हो सकता है। हो सकता है आप इस सवाल का जवाब सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हो। मैं आपको आसान से और सरल भाषा में समझाता हूँ। जब रैन पास्ट में से फ्यूचर में आ जाती है तो उसके टाइमलाइन पे इसका कुछ भी असर नहीं होता, पर जब जे प्रेजेंट टाइमलाइन से वो पास्ट में चला जाता है तो उसका प्रेजेंट टाइम हमेशा चेंज हो जाता है। आशा करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये मूवी को देखना चाहते हैं तो हमारे इसी नाम से बना टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं इस मूवी को 24 घंटों के अंदर अपलोड कर दूंगा। अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही
लाइक, कमेंट और शेयर करना।